अटल भूजल योजना के अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा जिला स्तरीय क्षमता निर्माण का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यमुनानगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता एवं नोडल अधिकारी अटल भूजल योजना रविशंकर मित्तल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और लोगों व किसानों को जागरूक करने के लिए योजनाएं तैयार की। इस कार्यक्रम में जिला स्तर की सभी विभाग, जिला उद्यान अधिकारी, जिला परिषद कार्यालय, कृषि विभाग, मिकाड़ा विभाग, पब्लिक हेल्थ, सौर ऊर्जा विभाग, प्रगतिशील किसान, DPMU अटल भूजल योजना शामिल रहे। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अटल भूजल योजना के बारे में वीडियो अन्य गतिविधियों के माध्यम से पूर्ण जानकारी दी गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि अन्य जिलों की अपेक्षा यमुनानगर की भूचाल का लेवल अभी सही है, लेकिन वहीं पर जहां विकास कार्य होंगे तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, जिसको लेकर भूजल घटना का तय है। इसलिए जागरूकता जरूरी हो जाती है कि आने वाले समय में इस जल को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यमुनानगर ने पानी को बचाने में बरकरार रखा है, यह दूसरे जिलों के लिए एक मिसाल है। देखिए, जैसे ठस्का गांव की बात करें, लेटेस्ट केस में तो ग्राउंड वाटर टेबल अभी 69 मीटर पे चला गया है वहाँ पे। तो हम अभी 22 तारीख को जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे एक ऐसा एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को, किसानों को जागरूक करेंगे कि जो पानी का ग्राउंड वाटर इतना नीचे जा रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है उनको पीने का पानी भी मिलना संभव ना हो उसके साथ। तो उस मुहिम में उन लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय प्रोग्राम वहाँ पे आयोजित करेंगे। देखिए मैम, मैंने कई देशों का विजिट किया है, मैं कनाडा भी गया हूँ, इसराइल भी गया हूँ। इसराइल में पानी की बहुत दिक्कत है और कनाडा में इतनी लेक्स है वहाँ पे स्वीट वाटर की, फिर भी वहाँ पे बैन है कि वो अंडरग्राउंड वाटर को बिल्कुल नहीं निकालेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और आम नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि पानी कितना कीमती है। ये केवल गाड़ियां धोने के लिए नहीं है, ये जीवन की एक अहम, मैं कहूँगा कि एक जरूरत है। इसके बगैर जीवन ही संभव नहीं है और उसको हम गाड़ियां धोने पे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबको समझने की जरूरत है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो कोई सिटीजन हो, आम सभी लोगों के लिए है ये कि वो पानी को बचाएं। जी, यहाँ पे अटल भूजल योजना का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है, इसमें हमने सारे विभागीय लोगों को जो इस अलग अलग विभागों में काम करते हैं, इरीगेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जल के समाधान से जुड़े हैं, उनको यहाँ निमंत्रण दिया है। और हम ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें लोगों को साथ में मिलाने से वो आपस में अपने जो चैलेंजेस आते हैं उनको काम करने में, उसमें समाधान में एक दूसरे का सोल्यूशन निकालते हैं। और बहुत मुख्य बात यह है कि जो भी लोगों को चैलेंजेस मेनली आते हैं कम्युनिटी बिहेवियर चेंज में, तो हम इस बात को लोगों को समझा रहे हैं कि स्कीम्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन जब तक आप कम्युनिटी को डीप एजुकेशन नहीं देंगे, उसके विज्ञान के बारे में नहीं बताएंगे, उसकी वाटरशेड और हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है ग्राउंड, मतलब विलेज लेवल पे जो होता है, उसके बारे में नहीं सिखाएंगे, तब तक वो प्रेरित नहीं होंगे। उन्हें प्रेरणा देना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, फाउंडेशनल काम है। उसके बाद सारी स्कीम्स अपने आप लोग आके लेंगे, ये हमारा मानना है और ये हम सोच उन लोगों को दे रहे हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से। काफी लंबा समय हो गया, अवेयरनेस की कमी अगर है तो हमें खुद सोचना है, क्योंकि हम, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जैसे सरकारी विभागीय और हमारे जैसे जो NGO इस काम में लगे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये सोचना कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, और अच्छे प्रयास जो हो चुके हैं, सफल प्रयास, उनसे सीखें। और हमने जो देखा है कि सफल प्रयास वही हुए हैं जिन्होंने कम्युनिटी के डीप एजुकेशन पे फोकस किया, कम्युनिटी को प्रेरणा देने में फोकस किया और उसमें सारी एनर्जी और अच्छी एनर्जी लगाई, और ऐसे अच्छे अच्छे रिजल्ट निकले हैं ट्रांसफॉर्मेटिव, कि हमको लगता है कि हम उनसे प्रेरणा लेके अगर हमारे प्रयास में थोड़ा सा बदलाव लाएं, एक नया कुछ प्रयास करें, तब नया देखने को भी मिलेगा, नहीं तो पुराने प्रयासों से पुराना रिजल्ट ही मिलेगा। इस तरह से यमुनानगर में तो मैं बहुत पानी की स्थिति फिलहाल काफी अच्छी है बनिस्पत बाकी जिलों से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इस खुशफहमी में रहे कि ये पानी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है, अपनी एक्टिविटीज बढ़ रही है, डेवलपमेंट अगर बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, तो साथ में पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। इसलिए हमको बहुत जागरूकता से ये तय करना है कि हमारी स्थिति बाकी के जो सूखा ग्रसित हो गए हैं वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि जो भी सूखा
होता है वो प्रकृति निर्मित नहीं, मानव निर्मित होता है। तो अगर हम प्रोएक्टिवली अगर आज कुछ कर सके, बल्कि न कि ये सोचें कि भाई हमारे पास पानी है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बहुत गलत सोच होगी। और बल्कि यमुनानगर को एक अवसर है कि वो एक मिसाल बने बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए कि कैसे उन्होंने अपने पानी के जो संपन्नता है उसको बरकरार रखा अपने अच्छे प्रयासों से, नए प्रयासों से, बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी। सात ब्लॉकों में से चार ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जिसमें से राधौर, जगाधरी, सरस्वती नगर और सढ़ोरा, और इन चारों ब्लॉकों में से 251 पंचायतें शामिल की गई हैं जो जिनका वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सढ़ोरा के गाँव की, तो यहाँ पर कुछ गाँव जैसे 22 तारीख को एक प्रोग्राम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं वाटर डे पे, तो यहाँ पर ठसका ग्राम पंचायत है जिसमें 69 मीटर से भी नीचे ज्यादा पानी जा चुका है, तो एक गंभीर स्थिति है। जैसे मैडम बता रहे थे कि हरियाणा यमुनानगर, मैं यमुनानगर की बात बता रहा हूँ कि आने वाले 40-50 साल के बाद हम वो दिन दूर नहीं है, अगर इसी तेजी से चलते रहे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है तो उसको जल के लिए बहुत दिक्कत होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।